हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो ये मैच साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के साथ दूसरा T20 मैच हो रहा था, जो शाम को 5:30 बजे से हो रहा था। और इस मैच में वेस्ट इंडीज ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। इन्होंने 20 ओवर में 258 रन जड़ दिए, वो भी 5 विकेट के नुकसान पर। इनका बैटिंग स्कोर कार्ड इस प्रकार रहा, ब्रेंडन किंग ने 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बना पाए। इसके बाद कायल मायर ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, 27 गेंदों पे 51 रन जड़ दिए, 5 छक्के और 4 चौके की मदद से। इसके बाद जोसन चार्ल्स का आया तूफान, 46 गेंदों पे जड़ दिए 118 रन, 11 छक्के और 10 चौके की मदद से। इसके बाद निकोलस पुरन, जो कि विकेट कीपर थे, सिर्फ 2 रन बना पाए। और मार्को यानसन का शिकार हुए। इसके बाद रॉन पावल, जो कि कप्तान थे, उन्होंने 19 गेंदों पर 28 रन जड़ दिए। इसके बाद आया रोमारी सोफर्ट ने 18 गेंदों पर नाबाद 41 रन बनाए। ओल्डन स्मिथ ने भी 5 गेंदों पर 11 रन बनाए थे। इनका साउथ अफ्रीका का बॉलिंग इस प्रकार रही कि 4 ओवर में पार्नेल ने 43 रन देकर 2 विकेट लिए, और एडम माकरन ने 2 ओवर में 22 रन, रबाडा ने 4 ओवर में 39 रन, मार्को यानसन ने 4 ओवर में 52 रन देकर 3 विकेट, घाले ने 4 ओवर में 67 रन, सामसी ने 2 ओवर में 33 रन। इसके रनजेस को साउथ अफ्रीका ने बहुत ही आसानी से किया। डीकॉक, जो कि विकेट कीपर थे, इन्होंने 44 गेंदों पे 100 रन बनाए, 8 छक्कों और 9 चौके की मदद से। रिजा हेंड्रिक्स, ये भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, इन्होंने भी 28 गेंदों पे 68 रन ठोके, 2 छक्के और 11 चौके की मदद से। राइली रूसो ज़्यादा नहीं खेल पाए, लेकिन बहुत ही इन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाया, 4 गेंदों पे 16 रन, 400 का स्ट्राइक रेट लेके गए थे। डेविड मिलर 10 गेंदों पे 10 रन। एडम माकरन, जो कि कप्तान थे, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, और एक कप्तानी पारी देखने को मिली हमें, 21 गेंदों पे 38 रन। हेनरी क्लासन, इन्होंने 7 गेंदों पे 16 रन बनाए। अब वेस्ट इंडीज का बॉलिंग कुछ इस प्रकार रहा, अकिला हुसैन, इन्होंने 2 ओवर में 33 रन दिए। सेडल कॉटरेल ने भी 1 ही ओवर में 29 रन दिया। इसके बाद इन्होंने एक भी बार बॉलिंग करने नहीं बुलाए। जेसन होल्डर, इन्होंने 4 ओवर में 48 रन देकर 1 विकेट लिया। तो मारियो सेफर्ड ने 3.5 ओवर में 44 रन। ओल्डन स्मिथ, इन्होंने 2 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट लिया। रैमन, इन्होंने 4 ओवर में 42 रन देकर 1 विकेट। रॉन पावल, 2 ओवर में 27 रन। और वेस्ट इंडीज की तरफ से सबसे महंगा ओवर सिडल कॉटरेल का था, इनकी इकोनॉमिक थी 29 की, 1 ओवर में सिर्फ इन्हें मौका मिला, वो 1 ओवर में इन्होंने 29 रन दिया। और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं किंटन डीकॉक, जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी किए थे, इन्होंने 44 गेंदों पर 100 रन बनाए थे, 8 छक्के और 4 चौकों की मदद से। इनके स्ट्राइक रेट था 227.27 का। और इस मैच में जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट था राइली रूसो का, इन्होंने 4 गेंदों पर 16 रन बनाए थे, 2 छक्के और 1 चौकों की मदद से। और इस मैच में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक थी सेडल कॉटरेल की, इनकी इकोनॉमिक थी 29 की, और 1 ओवर में इन्होंने दिए थे 29 रन। इन्हें 1 ही ओवर दीप मिलाई और उन्होंने 1 ही ओवर में 3 रन दिया था। और इस ओवर में जो कि जिसने सबसे बेहतरीन बॉलिंग की वो थे साउथ अफ्रीका की तरफ से रबाडा, जिन्होंने 4 ओवर में 39 रन दिया। इनकी इकोनॉमिक सही थी, लेकिन सबसे एक भी विकेट इन्हें नहीं मिला, और सबसे ज़्यादा विकेट इस ओवर में मिला था इस मैच में मार्को जॉनसन को, 3 विकेट। और इन्होंने 4 ओवर में दिए थे 52 रन और 3 विकेट भी लिया था। इनको इकोनॉमिक थोड़ा ज़्यादा थी, लेकिन इन्हें 3 सफलताएं भी मिली थी। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हम इसी प्रकार की वीडियो आपको लेके आते रहते हैं हर मैच में का प्रीव्यू, हम आपको बताते हैं कि इस मैच में कितना रन ये हुआ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा।
और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को और ये मैच कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।